प्रतीक्षा है और अभी फिलहाल मैं एंजॉय कर रही हूँ अपने देवर जी की शादी। और आज है हमारे घर धान बट्टी का रसम। अब आप लोग सोच रहे होंगे धान बट्टी का रसम क्या होता है, बहुत लोग को पता होगा बहुत लोग को नहीं पता होगा। तो हमारे यहाँ होता है धान बट्टी का रसम शादी से पहले। यहाँ पे क्या होता है कि लड़की की माता पिता और लड़के के माता पिता एक दूसरे को अपना धान अदला बदला करते हैं। तो लड़के के पिताजी जो धान लाए होंगे वो लड़के के पिताजी को देंगे और लड़के के पिताजी जो धान रखे होंगे वो लड़के के पिताजी को देंगे। और ये रसम एक पंडित जी के द्वारा कराया जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रसम होता है। तो यहाँ पे बस वही रसम हो रहा है। तो यहाँ पे चावल, धान, गुड़ और पान का पत्ता, पता नहीं क्या क्या रहता है, तो यही सब पंडित जी निकलवा रहे हैं। और एक गमछा में देखिएगा एक दूसरे के ऊपर हाथ रखेंगे और पंडित जी उनका चावल उनको देंगे, मतलब लड़का पार्टी का चावल लड़की पार्टी को देंगे और लड़की पार्टी का चावल लड़का पार्टी को देंगे, यानी धान जो भी है, ठीक है। तो यही होता है धान बट्टी का रसम, इसी से बदला अदला बदला हो जाता है। यहाँ पे सारे गेस्ट आए और यहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, यहाँ पे हो गया है। अब यहाँ पे देखिए एक दूसरे को मुक्का मुक्की मारा जा रहा है, दोनों समधी लगे हुए हैं, देखते हैं कौन जीतेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जोरदार से चल रहा है, क्या मस्त एंकरी कर रही हूँ नहीं। तो गाइस ये भी एक रसम होता है, यहाँ पे 5 बार जो धान होता है अदला बदली एक दूसरे को छुआया जाता है। फिर पान का पत्ता रहता है, पान के पत्ते को, और यहीं पे ये पता चलता है कि कौन ज्यादा जोरदार है। तो जो अच्छे से चिपका दे सीने में पान का पत्ता, वही समझिए जोरदार पार्टी है। तो यहाँ पे तो मेरे पापा जी स्लो पड़ गए और मेरे लड़की के यानी कि देवर जी के ससुर जी तो बहुत फास्ट निकल गए, भैया बहुत जोरदार। तो वो मस्त चिपकाए थे कि लास्ट लास्ट तक उनका निकला ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए वही रसम हो रहा है, पान के पत्ता को यहाँ पंडित जी समझा रहे कि पान के पत्ते को इस तरीके से चिपकाइएगा कि हाँ दिखेगा किसमें कितना ताकत है, आ देखे जरा किसमें कितना है दम। तो यहाँ पे हो गया, मेरे पापा जी और दोनों कोई पान का पत्ता वाला रसम कर लिया, समधियानु कर लिए। अब चलो आगे दिखाते हैं कि क्या रसम हो रहा है। यहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा हंस रहे थे ये सीन देखे, क्योंकि हंसने वाली बातें, बड़ा मज़ा आ रहा था। तो हम लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया। फिर यहाँ पे पूजा पाठ हुआ, रसम हुआ। फिर इसके बाद देखिए मेरी बेटी भी बैठी है और ये भी अपना पूरा रसम निभा रही है। और यहाँ पे फिर क्या होता है, न्योता दिया जाता है, तो कार्ड को अदला बदली किया जाता है। तो वो आपको आमंत्रण करेंगे और ये मतलब दोनों पार्टी एक दूसरे को आमंत्रण करते हैं। तो यहाँ पे ये भी रसम हुआ जा रहा है। तो आप लोग कहाँ कैसे होता है कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फाइनली यहाँ पर ये रसम हो गया है और यहाँ पर देखिए समधियानु किया जा रहा है, धन्यवाद। फिर इसके बाद यहाँ पे आज हमारे यहाँ चावल फटकने का रसम होता है। चावल जिस दिन फटका जाता है उसी दिन के बाद से ही लगन मतलब लड़के को चढ़ाया जाता है, या चुमाने उमाने का रसम होता है, सब उसी दिन के बाद ही होता है। तो यहाँ पे पहले सरसों का तेल या कोई भी तेल अपने सर पे रखा जाता है, फिर सिंदूर लगाया जाता है, पूरा नाक से लेके माथे तक भरा जाता है। फिर यहाँ पे चावल फटकने का रसम होता है, तो सूप में 2 गांठ वो हल्दी रहता है और उसको क्या कहते हैं, दूब होता है जो घास की तरह रहता है। तो चावल रहता है, चना का दाल रहता है, रहर का दाल रहता है और शायद गेहूँ रहता है। ये 4-5 चीज़ मतलब फटकाता है। तो आज हमारे यहाँ यही रसम हो रहा है, 5 औरतें मिलके ये फटकती हैं। तो इस रसम को क्या कहते हैं मुझे तो नहीं पता, हम लोग चावल फटकने का ही रसम कहते हैं। तो यहाँ पे हाँ मैं आपको बताना भूल गई, पान का पत्ता मुँह में खा के ही चावल फटकने का रसम होता है। तो चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट डे अब आती है पारी लड़के को अपटन लगाने की। अपटन ही बोलते हैं ना, तो हम लोग तो अपटन ही बोलते हैं, आप लोग बताना। तो यहाँ पे जौ का आटा रहता है, उसमें हल्दी मिलाते हैं और तेल मिलाते हैं और फिर लड़के को अपटन लगाते हैं। तो जहाँ लड़के को बैठाना है ना, वहाँ पे चावल से इस टाइप का घेर बनाया जाता है। इसको क्या तो कहते हैं पंडित लोग, अच्छे से बना लेते हैं, मुझे उतना अच्छे से आता नहीं है। तो मैं अच्छे से स्क्वायर जैसे समझ में आ रहा था, मैं फटाफट वैसे ही स्क्वायर बना दे रही हूँ। सोचे कि चलो यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ तो आंटी लोग बता रही थी, चाची लोग समझा रही थी कि ऐसे ऐसे कर दो, तो मैं वैसे वैसे करके यहाँ पर बनाती हूँ। इसी घेर के अंदर लड़के को बैठा के हल्दी लगाया जाता है, अपटन लगाया जाता है और चुमाया जाता है। तो अभी तो हल्दी नहीं लग रहा है, अभी अपटन ही लग रहा है। तो यहाँ पे ये रसम होता है, तो मैंने इस टाइप का स्क्वायर बना दिया, कैसा लग रहा है जल्दी से बताना। ये सब काम मैं पहली बार कर रही हूँ। अब आती है सबसे पहले मम्मी, मतलब लड़के की जो मम्मी होती हैं वो अपने गाल पे हल्दी लगाएंगे, 5 बार अपने गाल पे, 5 बार लड़के के गाल पे। तो ये एक रसम होता है, मम्मी शुरुआत करती हैं तभी बाकी लोग कर पाते हैं। तो फिर इसके बाद यहाँ पे देखो माँ कर रही हैं अपने बेटे को 5 बार हल्दी वाला रसम। तो यहाँ पे उन्होंने 5 बार कर लिया। फिर उसके बाद मेरी पारी आती है, सब लोग मुझे बोले गया तुम भी लड़के की भाभी हो, जल्दी से जाओ तुम भी करो। यहाँ पे हम भी कर रहे। तो ये गाइस बड़ा मज़ा आता है, इतना अच्छा लग रहा था, इन्जॉय होता है कि हाँ यार ये सब मोमेंट भी बड़ा मस्त है। तो यहाँ पे मैं अपने गाल पे हल्दी लगाई, फिर देवर जी के गाल पे लगाई। तो यहाँ पे ये चीज़ 5 बार करना रहता है और पीछे से चाची लोग बस तो हंसी मजाक कर रही है। तो ये शादी में तो हंसी मजाक चलता रहता है। फिर चलो अब आती है पारी, सब लोगों ने हल्दी लगा लिया है,
अब तो नहीं है, हल्दी मत कहिएगा। फिर इसके बाद अब आती है पारी सेवा करने की। तो आज तो देवर जी को इतना अच्छा नींद आने वाला है ना कि क्या ही बताओ, अपने जीवन में ऐसा सोए नहीं होंगे, क्योंकि इतना मेहनत चल रही है। देखो मेरी बेटी क्या करी, इसका अलग ही मेकअप चल रहा है, लिप बाम लगा रही है। तो आज तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत होने वाला है, सॉरी काफ़ी ज़्यादा इनका शरीर का दर्द निकलने वाला है। फिर हल्दी वल्दी लगाने के बाद यहाँ पे चुमाने का रस्म होता है, जिसमें ना चावल रहता है, अंगूठी रहता है सोने का, अगर लड़का पहना है तो ठीक है, नहीं पहना है तो कोई दिक्कत नहीं है, डाल दिया जाता है उसमें अंगूठी अपना, और गुड़ रहता है, तो इसी से 5 बार चुमाया जाता है। और इसको ना अजूरी भरना कहते हैं, और जितना ज़्यादा भरोगे लड़के का घर उतना ही ज़्यादा बसा रहता है, तो ये कहावत है। तो इस टाइप से किया जाता है, 5 बार चुमाया जाता है। तो यहाँ पे हम फटाफट फटाफट 5 बार चुमा रहे हैं, और पीछे से बैकग्राउंड में मस्त गाली वाला गीत चलता है जो सुनने में बड़ा मजा आता है। फिर यहाँ पे चाची जी भी चुमा रही हैं। फिर क्या हुआ ना, शाम को हमारे यहाँ 5 दिन गीत गाया जाता है, वहां पे सब लोग जिद करने लगे कि तुम भी गाओ, भाभी हो तो चलो मैंने भी गीत गाया। फटे आवाज में मैंने तो गीत गा ही दिया, बहुत मजा आया। तो आई होप कि आप सभी को भी अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।